क्या आपने कभी गैस पे नींबू का इस्तेमाल किया है? नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बहुत ही कमाल के टिप्स फ्रेंड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, काम तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स अपनाकर अपने रोज़ के काम को हम आसान बनाना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल दीदी कैसे करूँ मैं, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहला टिप्स है मेरा इस तरह से कॉइल को लेकर। फ्रेंड्स, इस तरह से कॉइल जब भी हम यूज करते हैं तो हमें क्या होता है, कभी इसका स्टैंड हमारे पास नहीं होता है या इस तरीके से टूटा हुआ होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है इसे हम कैसे जलाएं या कहाँ ऐसे रखें ताकि पूरे घर में एक बराबर इसका जो धुआँ है वो फैले और मच्छर भाग जाए। तो इसी के लिए मैं आपको बहुत ही कमाल के टिप्स बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से कपड़े का क्लिप तो हमारे घर में ज़रूर से होता है, तो इस कपड़े के क्लिप से आप एज ए स्टैंड यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लगा दीजिए कॉइल को और आप जहाँ चाहे वहाँ आप रख दीजिए। बहुत ही कमाल के टिप्स है, इस तरीके से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई पैसे खर्च करने हैं, और इस तरीके से आप एक क्लिप की मदद से अपने कॉइल को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको जला कर, टूटा हुआ भी आप इस तरीके से चला सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी वैसलीन में कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है? नहीं किया है तो चलिए अब कर लीजिए। बहुत ही कमाल की टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम आएगा और आपके पैसे भी बचाएगा, आपका समय बचाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक बाउल ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए और इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। ठीक है, कॉफ़ी पाउडर लेने के बाद थोड़ा इस लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है और इस तरीके से आप या तो थोड़ा सा इसको मेल्ट कर सकते हैं या अच्छे से इसको ऐसे ही मिला दीजिएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से मिला दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने मिला दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे कॉटन पे इस तरीके से लगा देना है। इसका यूज कहाँ करना है चलिए वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे घर में कोई ना कोई ब्राउन जूते ज़रूर यूज करते हैं लोग। और क्या होता है, कभी कभी हमारे पास पॉलिश नहीं होती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है पॉलिश कराने में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। पर जूतों को पॉलिश करने में आपका जूता बिल्कुल शाइन करने लगा। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही कमाल की है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स हमारे इस तरह से मोबाइल का लगा। फ्रेंड्स, मोबाइल का यूज़ तो हम सब अपने घर में करते हैं और जो लेडीज होती है ना, हम सोचते हैं किचन में काम करते करते ही मोबाइल में हम अपने जो भी पसंदीदा हमारे सीरियल होते हैं, मूवी होते हैं, हम मोबाइल लगा देते हैं, गाना लगा देते हैं या कुछ भी देखते रहते हैं। लेकिन किचन में इस तरीके से मोबाइल स्टैंड नहीं होता है और हम उसे स्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो इसका ऑलरेडी मैंने बहुत सारा टिप्स जो है अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर जरूर से देखिएगा। तो यहाँ मैं आपको छोटा सा टिप्स बताने वाली हूँ, बिना खर्चे का जुगाड़। इस तरीके से हमारे पास जो एडॉप्टर होता है ना, उसका आप एक मोबाइल स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं। एज ए स्टैंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फ्रेंड्स, मैं पर्सनली इसको यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। मैं कहीं भी रहती हूँ इसी तरीके से मोबाइल को स्टैंड कर लेती हूँ और जो भी मुझे देखना है बिना हाथ लगाए मैं देख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, लेडीज के लिए बहुत काम आएगी। तो एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा तरह से प्रेस को लेकर, आयरन को लेकर। आयरन तो हम सबके घर में होता है और फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम आयरन करते हैं और कुछ इस तरीके से लपेट के हम आयरन को रखते हैं तो इस तरीके से जब आप रखते हैं ना तो बहुत ही गंदा लगता है, मैसी सा लगता है। तो आज मैं इसको ना बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगी, इसको आप रखेंगे इस तरीके से ना तो बिल्कुल भी मैसी सा नहीं लगेगा और स्पेस भी आपका बहुत ही कम लेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से उसके वायर को ऑर्गेनाइज कर लेना है। ठीक है, और हमारे घर में कुछ ना कुछ क्लचर पुराने पड़े होते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से क्लचर का यूज करके इसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप अच्छे से वायर को लपेट लीजिए और इस तरीके से उसके हैंडल लगा के इस तरीके से लगा दीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय लगा और एक दूसरे से जो वायर है वो उलझेगा भी नहीं और इसको आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा बार बार इधर उधर, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो बहुत ही आसान सी टिप्स है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से नींबू को लेकर। नींबू का यूज़ तो हम सब अपने घर में करते ही हैं, किचन में, खाने में, डिश में, हर तरह से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन जब हम ढेर सारा नींबू खरीद के ले आते हैं और उसे फ्रिज में रख देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो नींबू ना हार्ड रहता है, जब लाते हैं तो सॉफ्ट रहता है। लेकिन अगर आप उसे फ्रिज में रख देंगे ना तो आप नोटिस करिएगा नींबू हार्ड रहता है और उसमें से जूस अच्छे से नहीं निकल पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो उसमें से जूस नहीं निकलता है। तो इसका
बहुत ही अच्छा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका, जिसे आप नींबू को ना बहुत अच्छे से आप उसका जूस निकाल लेंगे और जब जूस निकले आप खुद ही देख के चौंक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ले लीजिए, जब भी नींबू आप निचोड़े उससे पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है और उसमें नींबू को डाल दीजिए। आपके पास जितना भी नींबू है, आप जितना उसका जूस निकालना है, इस तरीके से थोड़ी देर पहले आप इसको गर्म पानी में डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ देर ही आपको इसको छोड़ना है, उसके बाद आप देखिएगा इसका कमाल फ्रेंड्स। इससे क्या होगा ना, उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाएगा और जब फ्रिज में रखा हुआ नींबू आप इस तरीके से गर्म पानी में डालेंगे ना, उसके बाद काटेंगे ना, तो अजीब सा डबडबा सा हो जाता है, मतलब जितने उसमें जूस निकलेगा ना वो देख के आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो देखिए मैंने कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद चले इस नींबू को हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना जूस निकल रहा है। तो देखिए मैंने नींबू निकाल लिया है, अभी गर्म ही है। तो देखिए यहाँ मैं इसको कट करूँगी, मैं आपको ना खुद ही आपके सामने मैं इसको दिखाऊँगी, बिल्कुल भी कोई कट नहीं लगाऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको काट लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इसका जो बीज है ना अंदर का, उसको आप निकाल लीजिए, या आप इसको छन्नी में भी इस तरीके से निकालेंगे ना तो छन्नी में भी अलग से छन जाएगा। जो अगर आप फ्रेश उसका जूस निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले बीज को निकाल लेना है। जब तक मैं बीज निकालती हूँ फ्रेंड, अगर थोड़ा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी यूजफुल वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ इस तरीके से, तो आप ज़रूर से एक बार मेरे चैनल पर विजिट करिए, आप जाके जरूर देखिए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, ये बताना मुझे बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे बताइए कमेंट में आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी जानना है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने बीज को निकाल दिया है और इस तरीके से मैंने जूस को निकाला है। इस अच्छे से निचोड़ के देखिए, निचोड़ने का भी तरीका होता है ना, इस तरीके से आप उंगलियों पर डाल के अंगूठे से उसको फिर वापस रिटर्न में खींचेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से निकल जाता इसका जूस। तो आप देख सकते हैं कितना सारा, एक नींबू में कितना सारा जूस निकल गया है। इस तरीके से आप भी एक बार ट्राई जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।